जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने पर इस आजादी के पर्व पर एक अलग खुशी देखी जा रही है। झांसी के समाज सेवी संगठन गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड ने आजादी के पर्व पर शांति यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। झांसी में गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमन यात्रा का आयोजन किया गया। गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड के प्रदेश कार्यालय से अमन यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रिजवान राय ने कहा कि यह अमन यात्रा इस बात का संदेश देती है कि हमारा मुल्क और यहाँ रहने वाले वह किसी भी धर्म, किसी भी समाज या किसी भी जाति के हों, सब एक हैं। गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए धारा 370 और 35 ए को हटाने के लिए उनको बधाई भी दी है। धारा 370 35 ए जो हटाई गई है ये सम्मानजनक है, जिसमें वहाँ के लोगों का विकास है और वहाँ के लोगों को जो राहत है, जो दहशतगर्द लोग हैं केवल उन्हीं के लिए ये खराब है, बकाया हिंदुस्तान के पूरे लोगों को इसका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं उस सरकार को। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके की जो मुल्क में अच्छा माहौल बना रहे और अच्छे से अच्छे हम लोग जो है भारत की तरक्की के लिए अमन और चैन की दुआ मांगते रहें। पत्थरबाज दहशतगर्द आतंकवाद के खिलाफ ये बहुत बड़ा जंग थी जो बिल्कुल से खत्म होने के मूड पर है, हो सकती है कमर तोड़ दी है सरकार ने, अब उनको पूरा खत्म करने का कार्य बहुत जल्द किया जाएगा जी। आज गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग अमन और चैन का पैगाम देना चाहते हैं 29 वासियों के लिए। झांसी से विवेक दोहरे की रिपोर्ट। साधन सहकारी समिति लिमिटेड स्किल ब्लॉक पामौर जनपद झांसी के सभी किसान भाइयों और इनसे जुड़े हुए समिति से जुड़े हुए सभी कृषक सदस्यों को हमारी तथा हमारे अध्यक्ष की ओर से तथा समिति की ओर से 15 अगस्त रक्षाबंधन तथा बकरा ईद की सभी को बारंबार पुनः शुभकामनाएं। सभी कृषक भाइयों से हम अपील करते हैं कि वो हमारी समिति से ज़्यादा जुड़ें और सरकारी सभी योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचा सकें, ऐसा मेरा प्रयास है। जय हिंद। जय लोकमान तिलक इंटर कॉलेज स्किल की तरफ से 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।